Hi friends, welcome to your channel, you number one. Friends, 11th November 2022 में रिलीज हुआ ऊंचाई मूवी ने ओपनिंग डे में इंडियन बॉक्स ऑफिस में बढ़िया कलेक्शन नहीं किया था, बट उसके बाद मूवी कलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद मूवी कलेक्शन सेकंड वीक एंड थर्ड वीक में डिक्रीज हुआ है। एंड इस वीक में मूवी ने और भी ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने फोर्थ वीक में कलेक्शन किया है 1.86 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 31.68 करोड़, जो मूवी का बजट लगभग 30 से 35 करोड़ को देखते हुए एक एवरेज कलेक्शन है। एंड मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुका है लगभग 46 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी एक एवरेज कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं दृश्यम 2 मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 18th नवंबर 2022 में रिलीज हुआ दृश्यम 2 मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में अच्छे खासे कलेक्शन किया था। बेहतर रिव्यू के चलते मूवी कलेक्शन ओपनिंग डे के बाद और भी बढ़िया हुआ था फर्स्ट वीकेंड सेकेंड वीक में भी, जहाँ पर इस वीक में भी मूवी ने अच्छे खासे कलेक्शन किया है। मूवी ने थर्ड वीक में कलेक्शन किया है 32.82 करोड़, जहाँ पर काले ने 22nd डे में कलेक्शन किया है 2.62 करोड़। सो दृश्यम 2 मूवी टोटल कलेक्शन कर चुका है 198.92 करोड़, जो मूवी का बजट 80 करोड़ को देखते हुए सुपर डुपर हिट कलेक्शन है। जहाँ पर मुझे लगता है आज यानी 23 डेज में ये मूवी कलेक्शन कर सकते हैं लगभग 3 से 4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, यानी आज इस मूवी का टोटल नेट कलेक्शन 200 करोड़ होने वाला है। जहाँ पर कल ने 24th डे में तो और भी बड़ी कलेक्शन कर सकते हैं, 24th डे में कलेक्शन कर सकते हैं लगभग 5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो आगे देखेंगे ये मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं, आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स, दृश्यम 2 मूवी अभी तक टोटल ऑल इंडिया ग्रॉस से कलेक्शन कर चुके हैं 236.81 करोड़, जहाँ पर मूवी का टोटल ओवरसीज कलेक्शन है 50 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हो चुका है 286.81 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी जबरदस्त कलेक्शन है। सो आप चलिए बताते हैं इस मूवी का वन वीक बाद रिलीज हुआ भेड़िया मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 25th नवंबर 2022 में रिलीज हुआ लीड रोल वरुण धवन एंड कृति सनन का भेड़िया मूवी ने ओपनिंग डे में इंडियन बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक कलेक्शन किया था। मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 7.48 करोड़, जहाँ पर मूवी कलेक्शन और भी थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए मूवी का ओपनिंग वीक कलेक्शन था 42.05 करोड़। बट इस वीक में मूवी कलेक्शन डिक्रीज हुआ है। मूवी ने सेकेंड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 12.85 करोड़, एंड कल यानी 15th डे में कलेक्शन किया है जस्ट 50 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 55.40 करोड़, जो मूवी का बजट 60 करोड़ को देखते हुए एक बिलो एवरेज कलेक्शन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स, भेड़िया मूवी अभी तक टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है 11 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हो चुका है 76.36 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी बहुत बढ़िया कलेक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 11th नवंबर 2022 में वाकांडा फॉरएवर मूवी ने इंडिया से ओपनिंग डे से ही ठीक ठाक कलेक्शन किया था, जहां पर मूवी ने इस वीक में भी ठीक ठाक कलेक्शन किया है। इंडिया से वाकांडा फॉरएवर मूवी ने फोर्थ वीक में कलेक्शन किया है 2.01 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 68.30 करोड़, जो इंडिया में एक हिट कलेक्शन है। जहाँ पर इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो फ्रेंड्स, $250 मिलियन बजट का वाकांडा फॉरएवर मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुके हैं $740 मिलियन, यानी 6,100 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में सुपर हिट कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं प्रीवियस वीक में रिलीज हुआ एन एक्शन हीरो मूवी का कलेक्शन। 2nd December 2022 में रिलीज हुआ लीड रोल आयुष्मान खुराना का एन एक्शन हीरो मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में कमजोर कलेक्शन किया है। एन एक्शन हीरो मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है 1.31 करोड़, जहां पर मूवी का ओपनिंग वीक कलेक्शन था 5.99 करोड़, एंड मूवी ने फर्स्ट वीक तक कलेक्शन किया है 8.19 करोड़, एंड मूवी ने काले ने 8 डे में कलेक्शन किया है जस्ट 20 लाख। सुना मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 18.39 करोड़, जो मूवी का बजट लगभग 35 करोड़ को देखते हुए एक फ्लॉप कलेक्शन है। एंड मूवी ने ओवरसीज मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है 2.46 करोड़, इसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 12.50 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ रिलीज हुआ हिट द सेकंड केस मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, आदि विशेष का मूवी हिट द सेकंड केस मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन किया था।
मूवी ने फास्ट डे में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 11.27 करोड़। एंड अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 36 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। जो मूवी का बजट लगभग 16 करोड़ को देखते हुए एक हिट कलेक्शन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इस वीक में रिलीज हुआ मैरिज बद एंड सलाम वेंकी मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स कल रिलीज हुआ इन तीनों मूवी का कलेक्शन ने ओपनिंग डे में बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ है। 9 दिसंबर 2022 में रिलीज हुआ लीड रोल तुषार कपूर एंड नासिरुद्दीन शाह का मूवी मैरिज मूवी ने कल यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है जाए 5 लाख। जहाँ पर इस मूवी के साथ ही रिलीज हुआ लीड रोल संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता का बहुत मूवी ने भी कल बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने कल यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है जस्ट 10 लाख। एंड इस मूवी के साथ ही कल रिलीज हुआ काजल का सलाम वेंकी मूवी ने भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। हालांकि इस मूवी ने इन दोनों मूवी से बेहतर कलेक्शन किया है। लीड रोल काजोल का सलाम वेंकी मूवी ने कल यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है जस्ट 20 लाख, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स इन तीनों मूवी कलेक्शन ने ओपनिंग डे में सुपर फ्लॉप हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।